पहला एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग। सिंपल है, वो कहता है एक स्प्रिंग लो, एक मास लो, ये मास जब टू एंड फ्रो मूव करेगा प्रूव करो एसएचएम में और एक चक्कर का टाइम पीरियड कैपिटल टी निकाल दो। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आप पहला डायग्राम बनाओ, ये स्प्रिंग है और ये मास है और मास रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, आपने इसको डिस्प्लेस किया एक्स, तो इसमें क्या डेवलप होगी? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए साइन नेगेटिव लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप हुई? माइनस के एक्स। थर्ड डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको, बस दो बना देने हैं, बन गई रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि किसी भी एग्जांपल में बॉडी को एसएचएम में प्रूव करने के लिए क्या ढूंढनी पड़ती है? रिस्टोरिंग फोर्स, पहला कंडीशन ही ये है, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स। तो एम इनटू ए, यहां से ए आ गया, अब ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन? तो ये कंडीशन किसकी है? एसएचएम की। तो एसएचएम की कंडीशन आ गई, एसएचएम की आपने क्या कंडीशन की थी? ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इन्हें कंपेयर कर लो, कंपेयर करके क्या जाएगा? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा? टाइम पीरियड। फॉर्मूला याद करेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम का हॉरिजॉन्टल सिस्टम में जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम मूव करेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एम बाई के, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ये पहला टॉपिक है आपका।